जसलीन मथारू इस घर में मयूर के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करती है, लेकिन पारस छाबड़ा के साथ डेट जाने वाले टास्क में वहाँ पर उन्होंने मयूर को लेकर कुछ बातें कही कि यहाँ पर वो स्लोबर्ट स्टडी विंस वाला कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना के आए हैं और ये करके उनके गलत फहमी का गुब्बारा तोड़ा था। ये बात मयूर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो उनसे नाराज हो गए। अब जसलीन मथारू मयूर को अपना साइड क्लियर करती हुई नजर आई, उनसे अपोलोजाइज करती हुई नजर आई। मयूर से कहती हुई नजर आई, तो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मैंने वो सब कुछ बोला वो मेरा इंटेंशन नहीं था। मयूर ने कहा कि मैंने तो वो बातें अब उठाई ही नहीं, मेरी तरफ से वो बातें कंप्लीट हो चुकी है पूरी, मेरी तरफ से वो बातें खत्म हो चुकी है, अब उस बारे में क्या बोलना, तेरे साथ नाइसली तो बात कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं। यहाँ पर जसलीन कहती है, तो फिर अंकिता को ही सारा टाइम दे रहा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। मयूर कहते हैं कि अंकिता मेरी दोस्त है, बीमार है, इसलिए कर रहा हूँ यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पर जसलीन कहते हैं कि तू जो सोच रहा है उस तरीके से मैंने बिल्कुल नहीं कहा यार, तू समझ ना मेरी बात, क्या मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ क्या, मैं यहाँ पर किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती यार। इस पर मयूर कहते हैं कि एक इंसान आपके साथ 7-8 दिनों तक है, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो अच्छे तरीके से, और फिर अगर आप किसी के बारे में कुछ बातें कहते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि आप क्या और किस वे में कह रहे हो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।